वेलकम टू ईटाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट। अ शो व्हिच गिव्स यू द डेज लो डाउन ऑफ ऑल द बेस्ट हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड ऑफ ग्लैमर। तो इंतजार किस बात का, लेट्स टेक अ लुक एट टुडेज हेडलाइंस। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी हुए कोरोना वायरस के शिकार। क्यों ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने फिर से एक साथ मूव इन करने का किया फैसला। क्यों कंगना रनौत को ट्रोल किया नेटिजंस ने। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, शाहिद कपूर, रितेश देशमुख, अनिल कपूर, हंसल मेहता और निमृत कौर। बॉलीवुड के इन सारे सेलेब्स ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 21 डेज नेशन लॉकडाउन के डिसीजन को किया सपोर्ट। इन सारे सेलेब्स ने पूरी तरह से गवर्नमेंट के इस डिसीजन को सही बताते हुए इस लॉकडाउन का किया समर्थन। बिग बी ने लिखा, हाथ हैं जोड़ते विनम्रता से आज हम, सुने आदेश प्रधान का, सदा तुम और हम, ये बंदिश जो लगी है जीवदायी बनेगी, 21 दिनों का संकल्प निश्चित कोरोना दफनाएगी। वहीं शाहिद कपूर ने इस डिसीजन को सपोर्ट करते हुए लिखा, बी एट होम, स्टे सेफ, स्टे मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, स्प्रेड लव, हैव फेथ, प्रे ऑफ्टन, स्पीक टू ऑल दोज हु मैटर डेली, मेडिटेट, रीड, कुक, सी द स्काई टर्न ब्लूअर एवरी डे, 21 डेज विल पास, Keep it real and make it count you all. और बाकी सेलेब्स ने कुछ इस अंदाज में ही लोगों से की अपील। सेलेब्स प्राइम मिनिस्टर के अचानक आए इस डिसीजन से थोड़े से अपसेट भी दिखे। अनुराग कश्यप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, 8 बजे रात के बजाय सुबह 8 बजे बोल देते, 4 बजे भी बोल देते तो इंतजाम कर लेते, हमेशा 8 बजे ही बोलते हैं और समय देते हैं 4 घंटे का, उनका क्या जो पैदल घर को निकले हैं शहर छोड़ के, क्योंकि बस या ट्रेन नहीं चल रही, अब कहें तो कहें क्या, ठीक है प्रभु। वहीं एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास ने पीएम के डिसीजन को सपोर्ट तो किया, लेकिन उनके स्पीच राइटर से नाराज नजर आए। उन्होंने लिखा, दिस इज अ ब्रेव बोल्ड डिसीजन एंड आई सपोर्ट एंड अपलॉड आवर पीएम, नॉट हिज स्पीच राइटर। द फैक्ट दैट पीपल आर पैनिकिंग इन रिस्पॉन्स टू अ स्पीच मीन्स इट डिडंट गो एज प्लान्ड, दिस इज द सेकेंड टाइम दैट्स हैपेंड, मेक द स्पीचेस क्लियर एंड डिटेल्ड। Well, भले ही कुछ लोगों को इस अनाउंसमेंट के तरीके पर आपत्ति है, लेकिन इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि इस वक्त 21 डेज लॉकडाउन की देश को है बहुत जरूरत। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी हुए कोरोना वायरस के शिकार। ब्रिटिश रॉयल्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में देश के लोगों को दी इस बात की जानकारी। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है, द प्रिंस चार्ल्स ऑफ वेल्स हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस, ही हैज बीन डिस्प्लेइंग माइल्ड सिम्टम्स बट अदरवाइज रिमेन्स इन गुड हेल्थ एंड हैज बीन वर्किंग फ्रॉम होम थ्रू आउट द लास्ट फ्यू डेज एज यूजुअल। वैसे इस रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि प्रिंस चार्ल्स की वाइफ कमिला, डचेस ऑफ कॉर्नवॉल का भी कोरोना वायरस टेस्ट किया गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ब्रिटिश रॉयल्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है, द डचेस ऑफ कॉर्नवॉल हैज बीन टेस्टेड बट डज नॉट हैव द वायरस, इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट एंड मेडिकल एडवाइस
The Prince and the Duchess are now self-isolating at home in Scotland. The tests were carried out by the NHS in Aberdeenshire, where they met the criteria required for testing. वैसे कोरोना वायरस के स्प्रेड की न्यूज जब से सामने आई थी, प्रिंस चार्ल्स एक्सट्रीम प्रिकॉशंस ले रहे थे। उन्हें कई पिक्चर्स में लोगों से हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करते हुए देखा गया था। और ये तस्वीरें हर जगह वायरल हुई थी। लेकिन अब ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि प्रिंस चार्ल्स भी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं। वैसे ये जरूर कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत ठीक है और वो अपने घर से कामकाज कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यूनाइटेड किंगडम में भी कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और वहाँ गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेते हुए पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश रॉयल्स के डॉक्टर्स की टीम प्रिंस चार्ल्स की देखभाल में लगी हुई है। And the news is, Prince Charles भी अभी recover तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे इससे पहले Buckingham Palace के एक royal aide के corona virus positive होने के बाद वहां से Queen Elizabeth II ने move होने का फैसला लिया था। अब एक बात इससे बिल्कुल साफ है कि कोरोना वायरस से ना सिर्फ आम लोग बल्कि हाई एंड माइटी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान ने फिर से एक साथ मूव इन करने का किया फैसला। ऋतिक और सुजैन ने अपने सेपरेशन के कई सालों के बाद लिया है ये फैसला और इस फैसले की बड़ी वजह है ऋतिक और सुजैन के बच्चे रिहान एंड रिदान। ऋतिक रोशन ने खुद सोशल मीडिया पर एक पिक्चर शेयर करके इस बात की जानकारी दी है कि सुजैन ने अपने बच्चों की खातिर क्वारंटीन पीरियड में उनके साथ रहने का फैसला किया है ताकि वो मिलकर अपने बच्चों की कर सकें केयर। ऋतिक ने सुजैन की एक तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, इट इज अनइमेजिनेबल फॉर मी As a parent, to think of having to be separated from my children at a time when the country is practicing lockdowns. It is heartwarming to see the world come together as one in this time of deep uncertainty and possibility of months of social distancing and potential lockdowns for several weeks perhaps. While the world talks about humanity coming together, I think it represents more than just an idea, especially for parents sharing custody of their kids. How to keep their kids close to them without infringing on the right of the other, who also has an equal right to be with his/her children. This is a picture of dear Suzanne, my ex-wife, who has graciously volunteered to temporarily move out of her home so that our children are not disconnected indefinitely from either one of us. Thank you, Suzanne, for being so supportive and understanding in our journey of co-parenting. Our children will tell the story we create for them. I hope and pray that in order to safeguard the health of ourselves and our loved ones, we all find our way to express love, empathy, courage, strength with an open heart. Ritik Roshan ka ye post hai heartwarming. Aur fans bhi Ritik Roshan ke is post par unhe bhej rahe hain dher sara love. वहीं कुछ फैंस तो ये भी सजेशन दे रहे हैं कि ऋतिक और सुजैन को फिर से साथ आ जाना चाहिए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि ऋतिक रोशन और सुजैन अपने बच्चों के लिए साथ आए हैं। इससे पहले भी जब भी बच्चों के लिए उन्हें साथ आने की जरूरत होती है, they make sure that they are there with them. आज
मुझे मेरे सब दोस्तों से, फिल्म इंडस्ट्री से, मेरे रिश्तेदारों से, फैमिली से, हर जगह से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। कंगना रनौत ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया अपना 33rd बर्थडे। इस बर्थडे सेलिब्रेशन की पिक्चर्स और वीडियो को भी कंगना रनौत ने शेयर किया ऑन सोशल मीडिया। लेकिन नेटिजन्स को कंगना रनौत का ये सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया अमिड्स कोरोना वायरस पैंडेमिक। सोशल मीडिया यूजर्स कंगना को क्वेश्चन करने लगे कि इस मुश्किल की घड़ी में आप क्यों नहीं कर रही सोशल डिस्टेंसिंग रूल को फॉलो। एक दो यूजर्स नहीं बल्कि कई यूजर्स ने कंगना से इस बारे में सवाल किया। One of the users wrote, "Please, Corona ke time par, please maintain gap." While another questioned her, "No social distancing?" On her birthday, a video of Kangana Ranaut was also shared, where she was seen thanking everyone for the wishes. आज मुझे मेरे सब दोस्तों से, फिल्म इंडस्ट्री से, मेरे रिश्तेदारों से, फैमिली से, हर जगह से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। वैसे अब कंगना रनौत सेल्फ आइसोलेशन के रूल को अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं और अपने फैंस के साथ ये भी शेयर कर रही हैं कि कैसे इस मुश्किल की घड़ी में अपने आप को रख सकते हैं हेल्थी हैप्पी। नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे पता है कुछ लोगों को लगता है कि ये वक्त बहुत ही निराशाजनक है, बहुत ही बुरा है। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, आपको ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर वक्त पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होना है। हर वक्त जैसे दिन के साथ रात है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, खुशी के साथ आंसू है, उसी तरह से हर वक्त में, हर लम्हे के दो एस्पेक्ट होते हैं, आप चाहे किसी भी एस्पेक्ट में टैप इन कर सकते हैं। तो माना ये वक्त हमें अपनों से दूर ले जा रहा है, भीड़ से दूर ले जा रहा है, मगर इस वक्त को क्यों ना हम अध्यात्म, जिसको कहते हैं अपने खुद के करीब आना, उसको उसके लिए यूटिलाइज करें। माना ये वक्त हमें डरा रहा है, लेकिन उस डर में भी देखिए हम लोगों की चेतना बढ़ सकती है। किस तरह से उठते हैं, बैठते हैं, कौन हमसे बात कर रहा है, कौन हमसे हाथ मिला रहा है, कब हाथ धोना है और कैसे खुद को रखना है, व्हाई डोंट वी एनहांस आवर कॉन्शियसनेस। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि जैसे व्हाई नॉट यूज़ दीज वेरी स्पेशल डेज, जो हम नवरात्रि का मकसद लोग लगता है उपवास करना है, ऐसा नहीं है। उपवास एक जरिया है उस मकसद तक पहुँचने का, वाकई में मकसद है साधना करना। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैं और मेरी बहन रंगोली, जो इस वक्त ये वीडियो ले रही हैं, किस तरह से हम दोनों इन 9 दिनों को यूटिलाइज करना चाहते हैं, एंड लेट्स डू दैट। कंगना रनौत ने दो वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें वो फैंस को ये सारे टिप्स देती नजर आ रही हैं। कंगना रनौत कोरोना वायरस आउटब्रेक के ठीक बाद अपने होम टाउन मनाली के लिए रवाना हो गई हैं और वहां अपनी फैमिली के साथ फिलहाल वो टाइम स्पेंड कर रही हैं। सो दोस्तों, मैं और रंगोली अभी उपवास पे हैं, 9 दिन हम लोग सिर्फ एक टाइम खाना खाएंगे शाम में, और ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करेंगे। जो भी हमारी टेक्निक्स हमने सीखी है, साधना हमने सीखी है, रंगोली ने शाम को भी सीखी है, तो वो दिन में एक दो बार वही करेगी आसनास के साथ में। मैंने शाम को भी सूर्य क्रिया, शक्ति चलन, सामयमा, ये सब टेक्निक सीखी हैं, कई सालों की मेहनत है। तो मैं उसमें ना ज़्यादा जाकर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग कैसे वर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो 7 चक्रास हैं, हम लोग ये जो हमारे बेसिक, मोस्ट बेसिक है, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत चक्रास होते हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड कैसे उसके थ्रू हम लोग एनर्जी को उसका चलन कर सकते हैं, शक्ति का। सो दोस्तों, अगर आपको कपाल भाती आता है, बंधा आते हैं, तो मूलाधार के लिए वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं आते हैं तो सिंपल आप पेट में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, 10-15 बार करिए। रंगोली क्या कहते हैं उसको, उधर शोषण, इस प्रक्रिया को उधर शोषण कहते हैं। फिर ऊपर हम पहुंच जाते हैं जो हमारा मूलाधार अनहत है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स आते हैं उनको कवर करने के लिए। उसी तरह आप छाती में सांस भरिए, रोकिए और छोड़िए, इसको कहते हैं भस्त्रिका। 10-15 बार ये कर लीजिए। फिर ये हमारा विशुद्धि एक चक्र आता है, उसको भी हमारे पास कॉमन सा चांट है ओम, ओम आप 10-15 बार बोल लीजिए। और ये जो पूरा अग्न और इसको क्या बोलते हैं, सहस्त्रा, अग्न और सहस्त्रा को कवर करने के लिए आप आलोम विलोम यहाँ से सांस लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, ये 25-30 बार कर लीजिए, आप 10-15 बार भी कर लीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस। उसके बाद में अगर आपको चाहिए तो 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आप दिन में 2-3 बार ये करते हैं, इट विल डू वंडर्स फॉर योर एनर्जी लेवल्स, एंड इट कैन बी बिगनिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई कैन बी योर गुरु।
अजय देवगन से लेकर आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एसएस राजामुली की फिल्म राइज रोर रिवोल्ट यानी आरआरआर का मोशन पोस्टर। एसएस राजामुली की इस मैग्नम ओपस फिल्म की रिलीज डेट कुछ समय पहले ही 8 जनवरी 2021 अनाउंस की गई थी और अब इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है। अजय देवगन ने इस मोशन पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी गुड़ी पड़वा एवरीवन, व्हेन द पावर्स ऑफ अपोजिंग फोर्सेस लाइक फायर एंड वाटर कम टुगेदर, इंटेंस एनर्जी इज व्हाट यू हैव। हियर्स द आरआरआर मोशन पोस्टर, राइज रोर रिवोल्ट। इससे पहले कल ही फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामुली ने फिल्म के मोशन पोस्टर की अनाउंसमेंट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था, इट्स अ टाइम ऑफ ग्लोबल क्राइसिस, We wanted to do our bit in lifting up everyone's spirits. We are launching the long overdue title logo with motion poster of at RRR movie tomorrow. Though I can't promise any specific time now as every one of our team are working from home. Film ka motion poster hai kafi zyada unique and one of its kind. Film ke poster mein water and fire are fighting against each other while revealing the name of the movie RRR. It ends with a logo of the Ashoka Chakra of the Indian flag. The movie is inspired by the lives of freedom fighters and also marks the first movie by SS Rajamouli to be inspired by true events. SS Rajamouli ki isse pehle release hui film Bahubali ek fantasy film thi, jabki is film yani RRR se SS Rajamouli true events par based films ki taraf move kar rahe hain. Is film se jude ek source ka kehna hai, the movie is based on the lives of freedom fighters and also marks the first movie by SS Rajamouli to be inspired by true events. The recent news has definitely come as a big treat to all the fans and audiences who had been waiting across the world. RRR stars a stellar ensemble cast of Junior NTR, Ram Charan, Ajay Devgan and Alia Bhatt. The movie also has international stars Ray Stevenson, Alison Doody and Olivia Morris. On the show. घर पे रह के हाथ बार बार धोइए और अपनी हाथों की सफाई सबको दिखाइए. Please let's unite. Let's stay positive. I think it's very important for all of us to be responsible citizens. इसलिए two three things I want to request you. एक, please घर पे रहिए. घर पे रह के हाथ बार बार धोइए और अपनी हाथों की सफाई सबको दिखाइए. Please let's unite. Let's stay positive. Let's not be outdoors. Let's practice hygiene. Let's follow the rules. Let's understand the seriousness of the situation around the world. Let's pray. The rise of COVID-19 has taken the whole world into a frenzy. Celebs puri koshish kar rahe hain ki apni reach ka fayda uthakar wo zyada se zyada logon ko jagruk kare aur precautions lene ki appeal kare. Celebs apne fans ke saath saath aam logon ko self quarantine mein rehne ke liye inspire kar rahe hain with their pics and videos. South superstar Kamal Haasan has been actively doing his part by creating awareness about the same. And his latest post on Twitter is all about humanity at its best. Kamal Haasan ne apni native language mein ek tweet karke kaha hai that he is ready to convert his former house into a temporary hospital for coronavirus patients if the government allows. मार्च 23 को भी कमल हासन ने प्राइम मिनिस्टर को एक ओपन लेटर लिखकर एक्सप्रेस किया हिज कंसर्न्स अबाउट द डेली वेज वर्कर्स हु आर लूजिंग आउट ऑन इनकम ड्यू टू द शटडाउन।
कमल हासन के फैंस को उनका ये इनिशिएटिव काफी पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, That's a very thoughtful and valid request from our leader, Dr. Kamal Hassan. Hoping our Honorable Prime Minister Narendra Modi would oblige and announce supporting package to the most vulnerable section of our economy. इससे पहले जब प्राइम मिनिस्टर ने जनता कर्फ्यू अनाउंस किया था तब भी इस स्टेप को उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, I stand in full solidarity with our Prime Minister's call for Janta curfew. In this extraordinary situation, we have to take extraordinary measures. It's a disaster that has befallen on us. And by staying united and indoors, we can stay safe. Kamal Hassan se lekar har ek celeb ek responsible citizen hone ki bhumika nibha raha hai. Aur apni taraf se government ki madad ki puri koshish kar raha hai. We just hope fans और well wishers अपने celebs की इन बातों को माने और अपना ख्याल रखें। वरुण धवन और नताशा दलाल की शादी की न्यूज इज अगेन डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया, लेकिन इस बार शादी के वेन्यू या फिर डेट को लेकर डिस्कशन नहीं चल रहा, बल्कि बातें हो रही हैं कि वरुण नताशा की जून में होने वाली थाईलैंड वेडिंग को कैंसिल कर दिया गया है। वेल, वरुण नताशा और उनकी फैमिली कई बार कह चुके हैं कि अभी शादी को लेकर डेट्स या वेन्यू को फाइनल नहीं किया गया है, और अब उनकी फैमिली के एक करीबी ने इस शादी के कैंसिल होने की न्यूज पर कहा है, शादी भी फिक्स कर दी, वेडिंग डेट भी और वेन्यू भी विदाउट एनी कॉन्फर्मेशन फ्रॉम द फैमिली, एंड नाउ दे आर कैंसलिंग द वेडिंग ऑल्सो ऑन द फैमिलीज बिहाफ। अरे भाई, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कैंसलेशन व्हेन देयर हैज बीन नो वेडिंग प्लान्स इन जून इन द फर्स्ट प्लेस। यही नहीं, इस सोर्स ने इस न्यूज का मजाक बनाते हुए कहा, अब प्लीज धवन परिवार को रिफंड के रिसीट भी दिखा दो। वैसे वरुण धवन के डैड ने भी इस न्यूज पर पूरी तरह से क्लैरिटी देते हुए कह दिया कि अभी वरुण की शादी का कोई प्लान नहीं है। कौन सी शादी, कैसी शादी, मीडिया ने डेट भी पक्की कर दी, जगह भी चुन लिया, जगह कैंसिल कर दिया, अब वरुण के बच्चों के नाम भी बता ही डालो। वैसे आपको याद ही होगा कैसे कुछ समय पहले नताशा दलाल के घर हुई एक पार्टी के बाद ये न्यूज हर जगह सामने आ गई थी कि वरुण और नताशा के रोका सेरेमनी को सीक्रेटली ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन बाद में वरुण धवन ने खुद सोशल मीडिया पर आकर इस न्यूज को क्लैरिफाई करते हुए कहा, हे गाइस, बिफोर यू लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, इट वॉज अ बर्थडे पार्टी, वॉन्टेड टू क्लैरिफाई बिफोर एनी फॉल्स न्यूज इज स्प्रेड, चीयर्स। वेल, वरुण धवन, उनकी फैमिली और करीबियों के रिएक्शन से फिलहाल साफ है कि ये शादी की न्यूज पूरी तरह से सच नहीं है।